रीवा सतना मार्ग में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की घटना स्थल पर हुई मौत, ट्रक की चपेट में आए थे युवक। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर मैहर से रीवा की ओर आते समय चौवे ढाबा के समीप हुई घटना। बता दें, रीवा सतना मार्ग में बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो बाइक सवार युवकों की घटना स्थल पर मौत हो गई है। घटना बीती रात 12 से 1 के बीच की बताई जा रही है, जहां दोनों ही मृतक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैहर गए हुए थे। मृतकों की पहचान राकेश कुमार नट और रमेश कुमार वर्मा के रूप में की गई है। जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार नट जवा तहसील में GRS के पद पर पदस्थ हैं, जबकि रमेश कुमार वर्मा सिमरिया तहसील में सचिव के पद पर पदस्थ थे। दोनों युवक एक साथ मोटरसाइकिल में सवार होकर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैहर निकले थे। परिजनों का कहना है कि बीती रात्रि वैवाहिक कार्यक्रम से वापस आते समय बेला के चौबर ढाबा के समीप तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां से दोनों के युवकों के शव को रीवा संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया है। ये एक शादी के कार्यक्रम में मैहर गए हुए थे, वहां से रात में लौट रहे थे। जी, एक हैं राकेश कुमार और दूसरे थे रमेश प्रसाद वर्मा। ये दोनों लोग ग्राम पंचायत में सचिव और GRS के पद पर पोस्टेड हैं। एक सिमरिया तहसील में सचिव हैं और एक जबा तहसील में GRS हैं। जी, और रात में मैहर से लौट रहे थे शादी कार्यक्रम से, तो इनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है, उसमें दोनों लोग एक्सपायर हो गए। एक हैं त्योंथर तहसील के राकेश कुमार जी, राकेश कुमार जी हैं ग्राम खरिहानी पोस्ट कुठिला तहसील त्योंथर, और दूसरे हैं रमेश प्रसाद वर्मा तहसील जबा ग्राम शिवपुर पोस्ट चौखंडी, वहाँ के निवासी थे। रीवा में भी रह रहे थे? नहीं, रीवा में तो कमरा लेके रह रहे थे, बाकी जॉब वहीं अपने जहाँ चल रही थी वहीं से करते थे। घटना हुई है ये रात में करीब 1:30 बजे की घटना है। हम लोग अभी गए थे तो वहाँ चौकी से पता चली कि रात में 1:30 बजे की लगभग ये घटना है। जी हाँ, ऐसे बताया जा रहा है, वहाँ बताए चौकी वाले कि दोनों स्पॉट में ख़त्म हो गए।